क्यों एरोप्लेन्स में इंडिया से अमेरिका जाने के लिए आपको नॉर्थ पोल को छूते हुए गुजरना पड़ता है, जबकि सीधा रास्ता तो ये है? क्यों सभी एरोप्लेन्स एक लंबा कर्व्ड रास्ता चुनते हैं, जबकि वो सीधे पॉइंट ए से बी तक एक स्ट्रेट लाइन में भी तो उड़ सकते हैं? वेल, अर्थ बेसिकली एक 3D स्फीयर है जो कि सेंटर में सबसे ज्यादा चौड़ा है और नैरो टुवर्ड्स द पोल्स। अब एयरलाइंस एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जो उन्हें हमेशा दो जगहों के बीच में कम से कम डिस्टेंस को फिगर आउट करने में हेल्प करता है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं द ग्रेट सर्कल कॉन्सेप्ट। So, किसी भी फ्लैट सरफेस में पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने का शॉर्टेस्ट पाथ होता है एक स्ट्रेट लाइन, बट एक सर्कुलर सरफेस में शॉर्टेस्ट पाथ हमेशा होता है द ग्रेट सर्कल, जो बेसिकली अर्थ को दो इक्वल भागों में बांटता है और सर्कमफेरेंस इतना लंबा होता है। अब जरा अपनी आंखों के सामने एक मैजिक देखिए। दिल्ली से न्यूयॉर्क अगर आप ग्रेट सर्कल मॉडल यूज करके जाते हो या फिर कॉमन सेंस यूज करके स्ट्रेट लाइन में जाते हो, तो इसमें जो कर्व्ड रास्ता है जो दिखने में लंबा लग रहा है वो रियलिटी में शॉर्टकट निकलता है, यानी कि एयरलाइन कंपनीज के लिए फ्यूल्स की बचत और मोटा मुनाफा। अपने ज्ञान के तारों को इसी तरह लंबा करने के लिए फॉलो फॉर्मो।